बिलासपुर से कटघोरा तक बनने वाली नेशनल हाईवे 130 फोरलेन सड़क के निर्माण में कुटेला मोड़ा में सड़क बनने को लेकर जमीन राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है। इसमें स्थानीय किसानों ने राजस्व विभाग, पटवारी व उप पंजीयक पाली पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। यहाँ के अधिग्रहित किसान अशफाक अली, प्रकाश बंजारे, महिपाल कंवर, सैयद यूनुस अली तथा अन्य किसानों ने पटवारी हातिम खान पर आरोप लगाया है तथा कुटेला मोड़ा निवासी राम कुमारी ने बताया कि पटवारी हातिम खान ने हमें धोखे में रखकर हमारी जमीन खसरा नंबर 263/4 रकबा 0.405 धोखे में रखकर श्रेया गर्ग व दिनेश गर्ग के नाम रजिस्ट्री कर दी है और हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा उक्त खसरा से 0.113 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को प्रकाशित किया गया किंतु सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा लगभग 70 डिसमिल भूमि पर मिट्टी डाला गया है तथा उक्त खेत पर लगे पेड़ों को काट दिया गया। यदि शासन द्वारा हमारी 42 डिसमिल का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो हमारी जमीन को पूर्व की स्थिति में किया जाना चाहिए, जिसकी शिकायत हमने जिला कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा में की है, लेकिन आज तक राजस्व विभाग का कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी शिकायत पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ के अशफाक अली ने बताया कि यहाँ के पदस्थ हल्का पटवारी हातिम खान ने जानबूझकर द्वेष की भावना से गलत तरीके से भू अर्जन पत्रक प्रस्तुत किया है जो कि पूरी तरह गलत है। हमने इसकी जानकारी व शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर कटघोरा से की है और मांग की है कि मौके पर अर्जित भूमि का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा जाँच कर सर्वे सूची बनाया जाए ताकि हम किसानों को मुआवजा राशि नवीन पत्रक के अनुसार किया जा सके। हमारे यहाँ का पटवारी जो हातिम खान है वो हमारी जमीन के साथ छोलवाल कर दिया गया है। हमारी जो जमीन है जो पीछे में है वो एक एकड़ की है, जिसमें से वो प्रदर्शन प्रकाशन में दिया गया है 28 डिसमिल निकल रहा है, जबकि एक्चुअल में वो निकल रहा है 70 डिसमिल के आसपास। और दूसरा, हमको गुमराह करते हुए हमारे अपने भाई और 2-3 लोगों के नाम में फर्जी रजिस्ट्री करवा के 70 डिसमिल अपने नाम में चढ़ा दिया है ताकि उनका मुआवजा वो अपने दूसरे के नाम में करवा सकें। और हमारा खसरा नंबर 263/4 है और इसमें से कुल हेक्टेयर हमारा 0.405 है और ये सब का सूचना हम कलेक्टर और एसडीएम सबको दे चुके हैं, जिसका ये सब चीज साइन है। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। पैतृक जो भूमि है यहीं पे है, तो अभी जो प्रोजेक्ट बन रहा है नेशनल हाईवे के लिए उसमें मेरी 3 एकड़ 18 डिसमिल की जमीन इसमें अधिग्रहित की जा रही है। तो अभी तक हम लोग 19 नवंबर को हम लोग तहसील बुलाया गया था पूरा डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट भी कर दिए, बोले कि एक हफ्ते तक पैसा आ जाएगा करके, लेकिन आज 12 तारीख हो गया है अभी तक पैसा नहीं आया है। तो बिना मुआवजे के हम लोग इस बीच में 2 बार काम करना चालू हुआ था जिसको हम लोग आके रुकवाए हैं, तो जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलता है यहाँ पर हम काम करना चालू मतलब काम करने नहीं देंगे। और आगामी 14 तारीख को फिर से टेंट वेंट सब लगा के प्रदर्शन किया जाएगा। हातिम खान की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को की गई है लेकिन अभी तक उक्त पटवारी पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कुटेला मोड़ा में किसानों की जमीन अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा को लेकर यहां के किसानों ने 14 दिसंबर को उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पीड़ित किसानों ने सख्त लफ्जों में कहा है, जब तक हमारी जमीन का सही जाँच कर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हम सड़क निर्माता ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट।